हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 157, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 30 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास थर्ड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 8 व्हाट्स इन द मेल बॉक्स पोयम से लिया गया है। तो इस पोयम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं। डू यू नो द 30th डे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टर्स डे टू पे होमेज टू महात्मा गांधी द फादर ऑफ आर नेशन हु डाइड ऑन दिस डे इन 1948। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी, जिन्हें कि फादर ऑफ आर नेशन भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, तो 1948 में 30 जनवरी के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। ही इज़ रिमेम्बर्ड विद लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो उन्हें बहुत ही प्यार और आदर के साथ में याद किया जाता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि उनके योगदान के लिए। जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम पर उन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया था, तो इस योगदान के लिए उन्हें प्यार और आदर से याद किया जाता है। On this day, we visit his mausoleum at Rajghat, Delhi, to offer prayers and flowers as a tribute to him. तो बच्चों, इस दिन हम कहाँ पर विजिट करते हैं? जो उनकी समाधि है वहाँ पर, और उनकी समाधि कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है, आप कई बार अपने स्कूल पिकनिक पर भी जब जाते हैं तो आपको राजघाट भी दिखाया जाता है, तो वहाँ पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। तो इस दिन हम कहाँ पर जाते हैं? हम जाते हैं राजघाट पर, यानी कि उनकी समाधि पर, प्रेयर करने के लिए और फ्लावर्स यानी कि फूल अर्पित करने के लिए। ठीक है, ताकि हम उन्हें ट्रिब्यूट दे सकें उनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है बच्चों, हेलो डियर चिल्ड्रन, हेलो प्यारे बच्चों, होप यू आर एंजॉयिंग लुकिंग एट दी थिंग्स फाउंड इनसाइड अ मेल बॉक्स। आई होप कि आप सभी लोग इन्जॉय कर रहे होंगे उन चीज़ों को देखकर जो कि मेल बॉक्स के अंदर मिलती हैं। लेट अस रीड अलाउड द पोयम व्हाट्स इन द मेल बॉक्स फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। तो चलिए, आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से अपनी जो पोयम है व्हाट्स इन द मेल बॉक्स, इसको पढ़िएगा। तो इस पोयम की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है, आप वहाँ से भी इस पोयम को पढ़ सकते हैं। एंड हैव अ लुक एट देवूज लेटर टू हिज grandfather, थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। तो उसमें आपको एक लेटर मिलेगा जो कि देवू ने अपने grandfather को लिखा है, उनको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने उसे एक बर्थडे गिफ्ट दिया था। यू कैन रीड दिस लेटर गिवन ऑन पेज नंबर 78 ऑफ योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। तो ये लेटर आपको आपकी मैरीगोल्ड बुक में पेज नंबर 78 पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। Wouldn't you also love to write a letter to your near and dear ones? तो क्या आपको भी अपने एकदम प्यारे और जो बिल्कुल पास के करीबी दोस्त हैं, उन्हें लेटर लिखना अच्छा नहीं लगता? So pick up your favorite pen or pencil and a paper and write a letter to your friend telling him or her about how you spent your winter vacation. तो आपको क्या करना है, आपको अपना एक फेवरेट पेन या पेंसिल लेना है, और इसके अलावा आपको एक पेपर लेना है और अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है कि किस तरह से आपने अपनी विंटर वेकेशन को एंजॉय किया। यू मे टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू राइट द लेटर। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ फ्रेजेस दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आप लेटर लिखने के लिए इन फ्रेजेस और वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि किस तरह से आपको लेटर लिखना है। जैसे कि जब आप लेटर को लिखेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले लिखा जाता है सेंडर एड्रेस, यानी कि जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। ठीक है, तो आप यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, स्ट्रीट लिखेंगे अगर है तो, यानी गली, और एरिया लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे आप सिटी का नेम विद पिन कोड। उसके बाद आपको लिखना होता है
डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, जिस दिन आप लेटर को लिख रहे हैं उस दिन की जो डेट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद डियर यानी आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियर करके बोलेंगे और यहाँ पर अपने फ्रेंड का नेम लिखेंगे। और आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे हेलो होप यू आर वेल, यानी कि हेलो आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं, और उसके बाद आप अपने लेटर की जो बॉडी है उसको लिखेंगे, और उसके बाद आप लिखेंगे योर्स लविंगली यानी कि आपका प्यारा या प्यारी, ठीक है, और यहाँ पर आप अपना नेम लिख देंगे। तो चलिए अब हम इस लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लेटर लिखा हुआ है और इसके अंदर मैंने उन फ्रेजेस और वर्ड्स को भी यूज़ किया है जो हेल्प बॉक्स में दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 562B F ब्लॉक मयूर विहार फेज़ 1 दिल्ली 110091, तो ये है पिन कोड, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट लिखी है, डेट है 30 जनवरी 2021, और ये लेटर मैंने लिखा है कृतिका को, तो आप अपने फ्रेंड का नाम यहाँ पर लिखेंगे। सो मैंने यहाँ लिखा है होप यू आर वेल, आशा करती हूँ तुम अच्छी हो। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर एकदम बढ़िया हूँ। माई विंटर वेकेशन हैज़ जस्ट फिनिश्ड, मेरी जो विंटर वेकेशन है यानी सर्दियों की छुट्टियाँ हैं वो अभी कुछ मतलब अभी ख़त्म हुई हैं। आई एन्जॉयड अ लॉट विद माई फैमिली, मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया। द मॉर्निंग्स वर फॉगी, तो उस टाइम पे मॉर्निंग कैसी थी, सुबह कैसी होती थी, एकदम फॉगी होती थी यानी कि चारों तरफ धुंध ही धुंध होती थी। आई यूज़ टू गेट अप अर्ली एंड डू योगा विद माई फैमिली मेम्बर्स, और हम क्या करते थे, मैं जल्दी उठ जाती थी और एकदम सुबह सुबह और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में योगा करती थी। आई वॉज़ ऑल्सो हेल्पिंग माई पेरेंट्स इन हाउस होल्ड वर्क्स, और इसके अलावा मैं अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर रही थी घर के कामों में। आई ऑल्सो सेलिब्रेटेड मैनी फेस्टिवल्स ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन के टाइम पे मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए, जैसे कि लोहड़ी, मकर संक्रांति और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स। सो आई स्पेंट माई डे बाई प्लेइंग विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि मैं अपना दिन कैसे बिताती थी, अपने भाई और बहन के साथ खेल कर, वॉचिंग टीवी देख कर, enjoying sitting in the sun, धूप में बैठकर, playing cards खेलकर, etc. ठीक है बच्चों, यहाँ पर संक्रांति की स्पेलिंग को आप ठीक कर लीजिएगा, ये है SANKRANTI संक्रांति, ठीक है। ओके नाउ इट्स टाइम फॉर माई स्टडीज, तो अब मेरी पढ़ाई का टाइम हो रहा है। होप You also enjoyed your winter vacations. आशा करती हूँ कि आपने भी अपनी winter vacations को बहुत अच्छे से enjoy किया होगा। Pay my regards to uncle and aunt. तो मेरा जो आदर है वो अंकल और आंट को, मतलब जो भी आपके मम्मी पापा हैं उनको ज़रूर देना। Your best friend. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं your best friend या फिर your lovingly, और नीचे आपको अपना name लिखना है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर लेटर को आप अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।